हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पोर्टल। और आज मैं आपको MCAT ECAT फिजिक्स की कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूं, जिससे आप कैलकुलेशंस को फास्टेस्ट कर सकेंगे, वो भी विदाउट कैलकुलेटर के। सो आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। टेक्निक नंबर वन है, आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपको सॉल्व फास्टेस्टली करना है। कैलकुलेटर के बगैर आप इसे कैसे तेज से तेज तरीके सॉल्व करेंगे, तो वे मैं वीडियो को शुरू करके आपको थोड़ी टेक्निक बताने वाला हूँ। सो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप 1/2 या ऐसी कोई भी चीज़ जो शुरू में डिवीजन में हो, आपने सबसे पहले उसको पॉइंट की फॉर्म में लाना है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ डिवीजन में 1/2 दिया हुआ है, 1/2 को अगर आप पॉइंट की फॉर्म में लाएंगे तो जैसे आप जानते हैं 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का हाफ क्या होगा, 0.5। 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। अब आप इसको 0.5 की फॉर्म में ले आए, अब आपने इसे 1200 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसे 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, इससे पहले आपने ज़ीरोस को कैंसिल करना है। 1200 के ज़ीरोस को कैंसिल कर देंगे 24 लाख से, तो 24,000 हो जाएगा और 12। अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6। 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 24,000। अब आपने क्या करना है कि 6 को डिवाइड करना है, तो 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 या 1 आ जाएगा और उधर 400। अब आपने 4,000 में जीरोस को पावर में लेके जाना है और 1 का 4 तो आप जानते हैं कि 0.25 होता है। सो आपके पास 0.25 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास पावर को समेशन करके आपके पास 0.3025 आ जाएंगे। अब आपने इस 0.3025 को ऐड करना है 10,000 के अंदर, तो आपने 10,000 प्लस 0.00025 करना है, जैसे 0.0025 प्लस 10,000। तो अब आपने देखा है कि इस कितनी बड़ी कैलकुलेशंस को कितना फास्टली हमने किया है। यहाँ तक तो आप मेरे ख्याल में ख़ुद भी कर लेंगे। सो इस तरह आपने कैलकुलेटर के बगैर चंद दिन टेक्निक्स को अप्लाई करके अपना आंसर निकाल लेना है। कुछ स्किल्स भी ज़रूरी हैं बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस की, और आपके पास स्ट्रॉन्ग राउंड ऑफ एबिलिटी होनी चाहिए। जितनी तेज़ी से आप राउंड ऑफ कर सकेंगे, उतना तेज़ी से ही आप फटाफट अपने आंसर की तरफ पहुंच सकेंगे। इसलिए आपने अगर ऐसे कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाना है जिसमें आपको बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशंस करनी है, तो आपकी राउंड ऑफ की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अपनी राउंड ऑफ करने की एबिलिटी को इंक्रीज़ कीजिए। और स्किल नंबर 2 ये है गाइस कि ये एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये सब मैथ है, और मैथ का असूल तो आपको पता है कि मैथ का एक बहुत ही सिंगल और एक बहुत ही आसान सा असूल है। और मैथ का असूल क्या है, मैथ का असूल यह है कि प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग राउंड ऑफ की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, और उतना ही आपको कैलकुलेशंस की टेक्निक्स और ट्रिक्स के ऊपर कंट्रोल आता जाएगा। सो गाइस, इनको आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना तेज़ आप प्रैक्टिस करके रखेंगे उतना ही आपके लिए भी अच्छा रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपको अगले ही वीडियो में मिलेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।